Did Nainital, Kasauni, we're going to do Almora. Right. Man, you should start young. We are all senior citizens. You know, from the bedroom, you see the entire view of the entire Himalayan range. Exactly. Yeah. आज तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना जरूरी है. सो वी आर ऑल सेट. अब हम चल रहे हैं कहां पर? सो अब हम चल रहे हैं रुद्रधारी वाटरफॉल, वहां से टी एस्टेट और कौसानी की जो शॉल फैक्ट्री है वहाँ पर. ये तीनों आज कवर करेंगे बिकॉज प्लानिंग तो था कि इसको दो दिन में स्प्लिट कर देंगे, बट एक ही दिन में करेंगे क्योंकि कल हम निकलेंगे एक नई जगह के लिए. वी जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट अ टाइम, राइट? सो लेट्स गो. आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब तुम ही चलाओगे. मैंने बहुत चला ली. ये देखो एक नई जगह है, ये सोलर से है. अच्छा, सोलर कूकर इसमें बनाते हैं? हाँ, इसमें खाना बनाते हैं. खाना बनाते हैं इसमें? पानी खाना बन रहा है. तो अभी इसमें इस समय क्या कर रहे हैं? अभी केतली से पानी गर्म कर रहे हैं. पानी गर्म कर रहे हैं, क्या बात है यार. अच्छा, ये आपका कैफे है? चाय पानी का ढाबा है आपका पूरा, और आप हर चीज सोलर से बनाते हैं? बहुत खूबसूरत है यार, ये देखो. सो हुआ यूं कि हम जा रहे थे रुद्रधारी वाटरफॉल, सो वहाँ से 1.5 किलोमीटर हम गलत मुड़ गए. देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अब यहाँ पर हमने एक देखा कि इनका ये पूरा एक ढाबा है जो कि सिर्फ सोलर से चलता है. जैसा आपने देखा, पानी गर्म हो रहा है, सोलर से हर चीज़ है, वो सोलर से चल रहा है. सो छोटी छोटी चीज़ें ना ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सही होता है, क्योंकि आपको ये बेयरली देखने को मिलते हैं. एंड वी आर लकी फॉर दैट कि हमने रॉन्ग टर्न ले लिया. समटाइम रॉन्ग टर्न्स मेक गुड डिसीजंस. ये आपका गार्डन है बैठ बैठ के खाने के लिए? बैठ के खाने के लिए, वाओ. ये बैठने के लिए चेयर है, कितना नेचुरल से इन्होंने बेसिकली सब बना रखा है. तो इनसाइड दिखाता हूँ मैं. वाओ, सच अ ब्यूटीफुल लवली प्लेस. एकदम यार पहाड़ वाली फीलिंग आ गई. सो ये देखो, पूरा मिट्टी का बना रखा है इन्होंने हर चीज. इट्स सो फैंटास्टिक, लाइक लग रहा है कि पहाड़ का. अच्छा भैया, ये क्या है? ये हमने देखा हर जगह, ये है. ये क्या है? ये लगे हुए हैं सारे ऊपर. ओके, पहुंच गए रुद्रधारी वाटरफॉल. अब यहाँ से अपन ट्रैक करेंगे 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास में, टू एंड फ्रो 3 किलोमीटर्स आएंगे. और ये देखो, ये एक मेन ट्रैक स्टार्ट अपना. सो जो पिछला ट्रैक हम लोग गए थे वो बजरंगबली से मिलने हरिहर फोर्ट पे, और ये जो ट्रैक है ये महादेव का ट्रैक है. सो रुद्रधारी वाटरफॉल, जैसे कि मैंने बताया, 1.5 किलोमीटर और, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. देखो कितना सही है, हमें ऊपर तक जाना है और बस चलते जाना है. और भाई यहाँ पे पाइप सी लगा रखी है. ये देखो, अभी नीचे जाना है पूरा. ओए ओए, अच्छा ही भाई. तो अभी 500 मीटर आए, 1 किलोमीटर और है, और पानी जा रहा है भारी अभी से. और ये ट्रैक देखो कितना सुंदर लग रहा है यार. इस समय परफेक्ट टाइमिंग है, सबसे पहले हमने एंट्री किया क्योंकि गाइड ने बताया कि यहाँ पर अभी कोई नहीं आया. सबसे पहले है तो महादेव के दर्शन हम फर्स्ट हैं पहले. हर बार की तरह हम फिर भटक गए थे. प्रिंस की थोड़ी हालत खराब हो गई क्योंकि जगह देखो एकदम ही कोई नहीं है यहाँ पर. ये देख रहे हो, मतलब यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा. हमें एक पहला छोटा सा झरना मिला जो कि पानी नहीं है,
क्योंकि बारिश नहीं हो रखी है। और ये रास्ता अभी और ऊपर, कभी भी आप रास्ता भटक जाओ ना, सबसे इजी बताता हूँ रास्ता भी देखो अपने इंडियंस एक ना एक कूड़ा पान पराग पल्स का फेंक ही देंगे, सो हम वही देखते हुए चल जाते हैं, आइडिया लग जाता है। हाँ तो गए इधर, बट हम शायद पहले हैं, कोई है नहीं। व्यू देखो, ये चिड़िया है, वही तो मैं दिखा रहा हूँ। अपनी हालत हो गई खराब, पसीना आने लगा, लंबा तो है, साथ में बहुत खामोश और बहुत खतरनाक भी लग रहा है। चिड़िया स्टार्ट हो गई हैं और जान में जान आई। कॉन्फिडेंस आ रहा है प्रिंस? अब प्रिंस कह रहा था भाई रास्ता गलत है। सीढ़ी कुछ ज्यादा ही ऊपर है यार, बोले ना पहुंच गए फाइनली। वो भोलेनाथ पहुंच गया फाइनली, थैंक यू वेरी मच, फट गई थी। देखो मंदिर है, इतनी सीढ़ी हम चढ़ के आए, इतना ट्रैक, ये देखो मंदिर है, हाय हर हर महादेव। आज तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना जरूरी है, बिना हर हर महादेव लिखे जाना मत यार, कसम से बता रहा हूँ। प्रिंस कॉन्फिडेंस आया महादेव भाई, 600 रुपये गाइड वाला मुझे दे दियो। सो देखो ये है भोलेनाथ का मंदिर जिसके लिए ट्रैक करते हम लोग इतना दूर तक आए, और ये है वो वाटरफॉल रुद्रधारी वाटरफॉल, पानी का मैं सीढ़ी पर आराम से उतरना क्योंकि एकदम वो है। और साफ पानी है, देख रहे हो, ये देखो कहाँ से आ रहा है, क्या बात है, कैसे बनाया ना, बात तो बनाने वाले की। सो ये देखो हम फाइनली रुद्रधारी वाटरफॉल पहुंच गए, पानी का लेवल बहुत कम है क्योंकि बारिश नहीं हो रखी है, और पानी का जैसे दिखाया उतना साफ है, ठंडा है, अंदर जाने की बट सोच रहा हूँ। बर्फ है भाई, बर्फ जा नहीं सकते, बहुत ठंडा है। भोलेनाथ के दर्शन हो गए, अब यहाँ से हम जा रहे हैं टी एस्टेट और शॉल फैक्ट्री। टाइम लगेगा बट आज ही कवर करना है क्योंकि कल निकलना भी है। कल ही है? हाँ। कहाँ से, किधर? नीचे गांव से। तो यहाँ पुजारी पुजारी कोई रहते हैं? पुजारी जी, पुजारी मैं ही हूँ। अच्छा आप ही पुजारी हैं? अच्छा अच्छा नमस्ते, हमें लगा कि पुजारी जी वहाँ। तो आप डेली आते जाते हैं फिर? वही हम लोग वही बात ही कर रहे थे कि पुजारी जी को डेली आते जाते होंगे। तो इसमें ये पानी का वाटरफॉल जून से जून 15 से बढ़ता है, बढ़ता है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है, पूरा रहेगा लंबा। इसमें लोग नहाते भी हैं? हाँ, ये तो वही जो कपड़े उतार के आते हैं। अच्छा मतलब इधर वैसे नीचे कोई खतरा वतरा तो नहीं होता? खतरा का कुछ नहीं, हम लोग इधर जंगल से हैं, वैसे वही रास्ता है ना? हाँ, हाँ, यही है जो तुम जहाँ आए हो। हाँ, वही रास्ता है, वही रास्ता है। अच्छा पानी तो बहुत ठंडा है अभी? पानी ठंडा, पानी इतना ही ठंडा रहता है पूरा 12 महीना पूरा, ये गर्मी के दिन भी फ्रिज मारना पड़ता है, जैसे नीचे फ्रिज का पानी होता है ये
अच्छा इधर कहीं कोई शेर वेर का कोई कुछ नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए हमें कि ये क्या है, मतलब इतना अंदर आके कैसे बना है पहाड़ पे? कोई सिद्धि महाराज थे या कोई करते थे? जो है कौशी ऋषि मुनि जी तपस्या करते थे। कौशी ऋषि मुनि जी है पहले ऋषि मुनि हुए। जी 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 जी। यहाँ पर जो है कौशी ऋषि मुनि जी की तपस्या। अच्छा कौशी ऋषि मुनि जी ने यहाँ पे शिव जी की साधना की करी। अच्छा तब जाके जो अंदर के शिवलिंग है वो स्वयं अपने आप प्रकट हुए प्राचीन से। तब अपने आप हुआ? हाँ, जो अंदर का वो है ना जी, वो जी, वो प्राचीन से अपने आप ही नल फिर उसमें। इसमें सारी मूर्तियां हुई, ये पहला ये गुफा हुआ है। अच्छा पहले गुफा था? हाँ, पहला ये नहीं हुआ ना ये। हाँ हाँ, ये तो मंदिर बाद में हुआ, ये गुफा हुई है। जी जी, ऐसी हुआ गुफा। अच्छा, गुफा में ये मंदिर, फिर बाद में 1996 में स्वामी सदानंद जी महाराज ने फिर मंदिर का निर्माण, जिनका फोटो लगा हुआ है, जिनका फोटो है, उनने फिर ये मंदिर का निर्माण भी उन्होंने किया 1996। अभी मतलब बहुत पुराना नहीं है। ये ईटा ईटा कैसे लाए यहाँ तक? ऐसे कंधे से लाए, ऐसे रास्ते से? अरे बड़ी मेहनत लगी होगी इतने अंदर तक लाना। हम ही तो लाए। अच्छा आप लोग ही लाए? ये जो है ये सभी। आप पुजारी, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा रास्ते में। और कितने श्रद्धालु आते हैं एक दिन में? आते हैं करीब 30-40-50 आते। चलिए बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। स्टिल 1 किलोमीटर लेफ्ट। This happens when you, it's very good. This happens once you take estimate from guide. Yeah. They tell you different. It's like 800 meters, 700 meters, not exactly 1 kilometer. Still, like 1.75 it's total. Right. You guys are coming from? Mangalore. Mangalore? Yeah. Oh, I've been there. Mangalore. Yeah. And yeah. Where are you all from? I'm from Gorakhpur. My father is from KGF. Wow. Right, so I went to Mangalore, that upside, uphill, Mandir, Shani Mandir, that Shiva temple, Shiva temple, that upside, yes. Right, yes. Like small temple it is. Yes, yes, underwater and also, right, one temple more, like, it was at the very top, one side it's nothing there, yeah. And one side it's all, correct. So there I went. So specifically here, Nainital? No, we did Nainital, Kasauni, we're going to do Almora. All right. Up to Munsiyari, Pitorgarh. Pitorgarh. And back. We are also travelers. We are coming from all the way to Nepal and everywhere. Oh, we're going to Manali, Solang and everything. You and me, four of us. You guys are young. Like, but you are right. And you should start young. We are all senior citizens. Young means you will have... I mean, senior citizens, they don't trek at this time. Youngsters trek at this time. We didn't know it was this. It's very good. It's very good. The waterfall is less, like, due to the rain season. Said there are no, right. Yeah. But Pujari just now arrived. Yeah, I know. He crossed us. Right. So we were the first one we visited. Yeah, it's we did Nainital first, right. And then came here. So evening we are planning to see that Stargate. Observatory. Right. Today evening. So have you went to that tea garden and everything? No, we have yet to go. So we'll meet there. Yeah. We're going. I believe that we will be meeting over there. Tea garden and shawl factory. Yeah, shawl. Yeah. Shawl factory. That is remaining. So you guys are living in Kasauni itself? Yeah. Kasauni. Staying in that Pratiksha resort. Pratiksha. A lot of resorts are there. Yeah. You know, from the bedroom you see the entire view of the entire Himalayan range, exactly. Yeah, right. So it's awesome. So by 5 we woke up to see the sunrise. We are living in Kasauni Inn. So there also we saw I'm everything. Sure, you know, yeah, all yeah. of them. Every hotel has yes, their own view and every own, it ends up in Himalayan range only. Yeah. Like, you guys carry on yeah, to live. Sure. Bye, take care, safe journey. Bye. Like, trek ki koi age nahi hoti. See, like 60, 65 and they're still trekking. I'm damn sure ki apne time mein they were absolute fantastic trekkers. Bahut badhiya. अच्छा लगता है ना देख के ऐसे लोगों को। ये है टी स्टेट की एंट्री, ये देखो उत्तरांचल टी स्टोर, स्टार्टिंग विद पांडा। ये पूरा एंट्रेंस है, ये देखो इट्स ऑल वुडन कार्विंग पूरा।
तो ये डायरेक्ट ग्रीन टी वाला पीता है या इसको बनाते हैं वैसे वाला? बनाते हैं, चाय बनाते हैं ना। वो वाली ग्रीन टी जो छोटी पत्तियां हमको पहले पहले तोड़ के उनको ही बनाते हैं, वही छोटी जो ऊपर वाले फुनगी है उनको ग्रीन टी, उनको ग्रीन टी ना। अभी हम है उत्तराखंड के चाय बागान में और यहाँ पर इतनी टॉप क्वालिटी चाय मिल रही है ना, लेना तो हम चाह रहे हैं। जो ये टॉप वाली पत्ती है ना, दिस इज यूज एज हर्बल टी। और जो नीचे वाले जो है ये पत्ती देखो, जिसके पत्ते कलर चेंज हो गए, ये वाली ब्लैक वाली चाय बनाने काम आती है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर चार स्टेजेस में हो रहे हैं। लाइक पहला मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको और आगे भेजते हैं उसका कलर चेंज करने के लिए। सेकंड, थर्ड में फर्मेंटेशन करते हैं, फोर्थ में और ड्राई करते हैं ताकि वो 100% उसका मॉइस्चर कंटेंट निकल के, उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं कि जो टॉप प्रीमियम कंटेंट क्वालिटी की जो चाय होती है उसको अलग कर देते हैं, लाइक ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड्स की। जो ब्लैक टी की होती है, जो अभी मैंने बताया टॉप वाली जो है वो तो ग्रीन टी यहाँ पर जाती है, जो नीचे वाली है वो ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट करते रहे ताकि उनका ब्लैक बन जाए, ब्लैक टी बन पाए, क्योंकि ये ब्लैक टी नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ ग्रीन टी एक्सपर्ट्स है। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है चाय के बागान में, इट्स वेरी गुड। यहाँ के जो अरोमा है दैट्स टोटली डिफरेंट, फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग दिस एक्सपीरियंस। वैसे तो चाय के बागान में जाने का सोचा बहुत था, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक चाय के बागान निकल गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब हम चल रहे हैं शॉल फैक्ट्री। उस शॉल फैक्ट्री में खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, ग्रीन टी लवर्स दिस इज हेवन फॉर यू। सो शॉल फैक्ट्री चलते हैं और लेट्स एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। वी हैव टेकन अ हॉल्ट और यहाँ पर हम एक कुमाऊनी जो डिश है उसको ट्राई करेंगे। वो क्या है ना बता दो, पहला तो ये क्या है भैया? ये मडवा रोटी है। मडवा रोटी, और ये मटकी दाल। मटकी, ये किस चीज़ की रोटी होती है मडवा? क्या ये आटा देखा? अच्छा आटा आता है। और ये दाल कौन सी है? ये भटकी है। बट ये कौन सी अलग सी दाल आती है अभी भी? चलो बढ़िया। काफ़ी टाइम से सुन रहा था पहाड़ी खाना, कुमाऊनी खाना इतना टेस्टी है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत स्वाद है, एक्चुअल में रोटी में स्वाद है। सो अभी हम चल रहे हैं शॉल फैक्ट्री, ले जा रहे हैं। ताना वाला आएगा, जो साइड से चलेगा, जो बुनाई करेगा आपका बाना में चलेगा। तो ये बाना वाला आप कर रहे हैं, ताना का अलग से मशीन है। सारे हैंड, ये सारे हाथ की बनाई हुई आप लोग की हो रही है ना? शीप वूल है ना? हाँ। और ये क्या क्या बोलेंगे, कहाँ से आएगा? ये बेगरी बुग्याल। बेगरी बुग्याल, ये कहाँ पर? गौतम से ऊपर बेगरी बुग्याल। और ये गौतम कहाँ पर? गौतम यहाँ से 40 किलोमीटर। यहाँ से 40 किलोमीटर, मतलब सब कुछ इधर ही इसी बेल्ट का सारा कुछ। बाकी इसको फिर वेट करने के बाद काशीपुर भेज देंगे, इस तरह से थर्ड बल पे आ जाएंगे इसको और कितनी महंगी तक जाती है? वैसे आप अब तक का कितना महंगा बनाया? 12,000 तक का शॉल लाते हैं, बहुत बढ़िया। वो ऑर्डर से बनते हैं सर, तो अगर किसी को नाम अपना लिखवा को बन सकता है? डिजाइन अपने हिसाब से हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। यही वाला ताना चरखा चलाते थे, छोटा चलाते थे, कातने वाला। तो गांधी जी अपना ये ऐसे धागा बना के फिर भेजते होंगे आगे बनवाने के लिए अपना खुद के लिए, है ना? पहले तो उस टाइम पे इतनी मशीनें नहीं थी, हाथ से ही बनता था सारा। हाँ, अब तो मशीन से आ गया। अब मशीन से बन रहा धागा आपका, वहीं से डाई होते आ रहा। पहले फ्रूट से कलर करते थे, नेचुरल एकदम नेचुरल, वो धीरे धीरे डाउन होता। आपने पहले डेनिम डाली होगी 90 से पहले, जो धीरे धीरे डाउन हो जाती थी, फिर व्हाइट में व्हाइट हो जाती थी, फ्रूट से कलर बनता था। अब कलर जो भी हम डेनिम का पहनते फेड ही नहीं होता, उसका सब सिंथेटिक हो गया। सब ठीक है। सो यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड होता है, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है हमें, वेरी हैप्पी, लाइक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी जगह का हम घूमे, टी एस्टेट कवर किया, ट्रैक किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मेरे को देखना था सामने से कैसा होता है। सो हियर वी आर एंडिंग आवर व्लॉग, किंग डेविड व्लॉग्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अब कौसानी से आगे।
क्या होगा इससे पकड़ के सर बताइए कि हमारी बॉडी टच होती है तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है सही हो रहा है गर्म हो गया हैं धीरे धीरे हमारी बॉडी टच होते के साथ में गर्म होने लगा हमने नीचे देखा था उसी का हम लोग ने सोचा कि एक आई विल गिफ्ट टू डैड खासियत यही ये दूंगा उनको ये यही कमरा में भैया ने बनाया अपने हाथ से तो ये किए दे दीजिए भैया हमें दिल्ली में स्टॉल लगता है हमारा कुरमाचल स्टॉल बागीसर के नाम से लगता है कहाँ पर लगता है प्रगति मैदान में 6 नंबर हॉल पे अच्छा 6 नंबर हॉल में उत्तराखंड का उसी पे लगता है उत्तराखंड का उसी पे लगता है ठीक है थैंक यू भैया बाकी यहाँ पे हमारा और कोसानी के नाम से चलने वाला होगा अच्छा 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 हमारा कुरमाचल स्टॉल ठीक है थैंक यू